भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने गन्ने के दाम अभी तक नहीं बढ़ाए हैं, किसानों के फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। राकेश टिकैत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी वह भी वहाँ के जंगलों को काट रही थी, अब बीजेपी सरकार ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, वह भी वहाँ के जंगलों को काट रही है, जानवरों को बेघर कर रही है। सरकारों की पॉलिसी खुद की नहीं, उद्योगपति ही देश को चला रहे हैं। आज कार्यक्रम संगठन की मीटिंग है, गांव में यहां पे आए लोगों को संगठित करेंगे, आंदोलन की जरूरत पड़ सकती है कभी भी, उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, बिजली का दो लोगों का बड़ा आतंक है, चकबंदी का ये बड़ी समस्या है, बिजली वालों का भी बड़ा आतंक है। उसके साइंटिस्टों से बात हुई थी, उसमें कहा कि जो कोटेड करा गया है सल्फर उसका, वो उतना ही काम करेगा, उसकी पूरी जांच हम कर लेंगे, 5 किलो कम करा, लेकिन वो अभी कोटेड आएगा, अभी आयरन कोटेड भी आना है, सारी चीज आए, जिन चीजों की जिंक की जिन चीज की जमीन में कमी है वो उसी चीज से कोटेड करके वो दे रहे हैं, ये उनका कहना है कि 5 किलो कम जरूर है लेकिन वो उससे ज्यादा ही काम करेगा। हम इससे साइंटिस्ट से जो हमारे भी लोग हैं जिसकी पूरी जांच एक बार कर ले तो फिर इसमें बयान देंगे।